हाँ, बोल क्या माई मस्तानी का कमाल देखना चाहती है। तुम्हारी शादी है तो तुम्हारे वालिद साहब से भी तो इजाजत लेनी पड़ेगी। अब्बा से पूछना ही बेकार है बीबी जी। क्यों बेकार है, वो बाप है तुम्हारा। कैसा मेरा नसीब है। इतनी हैरत अधील साहब को मुझे देखकर नहीं हुई जितनी मुझे उन्हें देखकर हुई। यानी तुम्हें धचका लगा। लेकिन कुछ तो सोचो, दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो क्या मतलब है आपका, दुनिया वालों के सोचने के लिए मैं अपनी गोद खाली रहने दूं। और बताओ इजहार क्या कर रहा है आजकल। उसे जॉब मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। आप फिक्र नहीं करें, कोई ऐसी वैसी टेढ़ी बात होगी तो मैं आपको इतला कर दूंगा। आई होप कि ऐसी वैसी कोई बात ना हो। लेकिन तुम्हारे बगैर मेरी हर फैंटेसी बेकार है। यार मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी एक ही बात सुन सुन के। मेरी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। काम करने के लिए तैयार हो या फिर जेल जाने के लिए। मैं लाइफ में पहली बार इस तरह की सिचुएशन में फंसा हूं, मुझे सच बहुत घबराहट हो रही है। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन तुम घर बैठ के क्या कर सकती हो। रात के खाने की कोई तैयारी कर ली है शौकत। क्या बात है, अभी तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए। अनिला भाभी आप कोई खुशी की खबर सुनाएंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा। तो तुम बताओ क्या शादी करना इतना जरूरी है। क्या अनिला भाभी, ये तो हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है। और अगर तुम्हारी शादी ना हो सकी तो। फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जी। मतलब कुछ भी करके तुम्हारी तो शादी करवानी ही पड़ेगी। ये तो आपका मुझ गरीब पे बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान की कोई बात, तुम्हारी मदद करके तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तो भाभी ये खुशी कब तक मिलेगी मुझे। अरे जल्दी हो जाएगी, देखो ना कितनी खुशी की बात है, पापा तुम्हारी और रेशमा की शादी के लिए मान गए। हैं? सच भाभी? और आप? मुझे? मुझे क्या एतराज होगा? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे पहले मुझे रेशमा से पूछना पड़ेगा। अरे भाभी क्या बात कर रही है, उसको मुझसे ज्यादा खुशी होगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कल मैं फिर करती हूँ रेशमा से बात। अनिला भाभी मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, वो भी जहनी तौर पे ना फुल तैयार है। देख लेंगे कि वो कितनी तैयार। फिलहाल उठो, और भी काम है घर में, जल्दी उठो। सब्जी निकाली थी तुमने। अबे यार मिस हो गया। क्या हुआ, तुम काम पे नहीं जा रहे। अभी काम पे जाने के लिए टाइम है और तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है मुझे घर से भगाने के लिए। घर से भगाऊंगी नहीं तो कमाओगे कैसे। अरे बाबा कमा लूंगा, लेकिन तुम ये सोच सोच के दुबली क्यों हो रही हो। लेकिन मैंने महसूस किया है कि तुम अपनी इस जॉब से ना ज्यादा खुश नहीं हो, ऐसी बात है ना। हाँ यार बस क्या करो, मजबूरी भी करनी पड़ रही है। मजबूरी भी इंसान को क्या क्या करवा देती है ना। वैसे तुम्हें पता भी है तुमने बहुत गहरी बात कर दी है। यानी मैं भी कभी कभी अकलमंदों वाली बातें कर लेती हूँ। हाँ लेकिन इत्तफाक से। वैसे यार हम ना घर पे काफी सन्नाटा सा हो रहा है, सासू माँ नजर नहीं आ रही। वो तो मार्केट गई है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि सासू माँ नए सरफराज साहब के साथ डेट पे गई है। बकवास बंद करो अपनी और चलो काम। मजाक करो, गेम खेलने दो। चलो अरे अभी टाइम है, चलो काम पे जाना है। टाइम है जान। क्या हुआ, माल कब तक डिलीवर होगा। कल तक हो जाए। गुड,
अच्छी खबर है। अब आप देखती जाएं, तो ज़्यादा आपको अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। और हमारा दामन भी साफ रहेगा। ताहिर है। बेचारा अदील। अदील जैसे मुर्गे ना, तो हमारा काम ही ठप हो जाए। ये बात तो ठीक है। ये बात तो है, लेकिन लेकिन क्या? हमें अदील की बेगम से भी होशियार रहना पड़ेगा। अरे वो हाउसवाइफ हमारा क्या बिगाड़ सकती है? इसी घरेलू औरत की वजह से सलीम साहब जेल और पारखाने पहुंच चुके हैं। ये तो आप सही कह रहे हो। इसीलिए इसकी लगाम में खींचने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे आप फिक्र मत करें, मैं इसी इंतजाम में लगी हूँ। बहुत जरूरी है। अब तुम भी यार्ड पहुंच जाओ और जाकर देखो कि इजहार काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। गुड। हाँ विलार, सब कुछ ठीक चल रहा है? गुड। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे पास एक इजहार नाम के बंदे को भेज रहा हूँ। उसे तुम अच्छी तरीके से सारा काम समझा देना और ट्रेन भी कर देना। और एक बात और, तुम उस आदमी पर खास नजर रखोगे। क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, बस एहतियात से काम करना। मैं तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार करूं। अल्लाह हाफिज। देखना यह है कि अनीला का शक सही है या गलत। हेलो। जी मैडम। तुम फ्री हो मुक्ता? जी, आप हुक्म करें। मैं कह रही थी कि आज अदील का माल कंटेनर्स पे लोड होगा और मुझे उस लोडिंग पर ध्यान रखना है। हाँ, और खास तौर पर इजहार की हरकतों पर नजर रखना। ठीक है मैडम। और ध्यान देना, हो सकता है वहाँ आसिफ भी मौजूद हो। मैं दोनों पे नजर रखूंगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन बहुत होशियारी के साथ ये सब कुछ करना। आसिफ बहुत शातिर और खतरनाक लग रहा है। मैं अपना दामन बचा के रखूंगा। यही समझदारी। ठीक है मैडम, तो अब मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। चलो ठीक है, और कुछ भी हो मुझे अपडेट करना। ओके। बोल, क्या माई मस्तानी का कमाल देखना चाहती है? मैं तू बाहर जाके बैठ, हमें कुछ खास बात करनी है। हाँ बोल। वैसे तूने अच्छा किया, रेशमा के सामने कुछ नहीं कहा। वो क्या है ना, वो है तो भरोसे वाली, लेकिन आजकल के दौर में किसी का क्या पता। काफी होशियार लगती है तू। बता अपना मसला। मेरी अभी ना हाल ही में दूसरी शादी हुई है। और तू चाहती है तेरा शौहर तेरी मुट्ठी में रहे? नहीं नहीं, वो तो वैसे ही मेरी मुट्ठी में है। तो फिर क्या मसला है? मलिक साहब, अखबार आ गई। ओह थैंक यू यार। मलिक साहब, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय नहीं, बस पौधों को पानी दे दो तुम। जी बेहतर। थैंक यू। हेलो अंकल। हेलो, आओ बैठो बैठो। अंकल मैं यहाँ बहुत सख्त बोर हो रही हूँ।
अच्छा, तो भाई तुम्हारी बोरियत कैसे दूर की जाए? अंकल आप अदील से कहे ना कि मुझे बाहर कहीं घुमाने फिराने ले जाए। ठीक है, अदील को आने दो, मैं उसे ताकीद कर दूंगा कि तुम्हें कहीं घुमा लाया करे। अंकल आप अदील को मुझसे शादी की ताकीद नहीं कर सकते? पागल हो गई हो क्या? अनिला जैसी अच्छी बीवी के होते हुए ये मैं उसे कैसे कह सकता हूं? लेकिन अनिला मेरी जिंदगी में कहां से आ गई? अनिला तुम्हारी जिंदगी में नहीं, अदील की जिंदगी में आई है। लेकिन मेरे सारे ख्वाब तो चकनाचूर कर दिए ना उसने। ये सब नसीब के खेल हैं मलाइका। मेरी कितनी ख्वाहिश थी इस घर की बहू बनने की, और अंकल मम्मी भी तो यही चाहती थी ना। मैंने कहा ना, ये सब नसीबों के खेल हैं। इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं जरा देख कर आता हूँ शौकत को। ओके, आई सी यू इन अ वाइल। चीयर अप, चलो। और नसीब के इस खेल को बदलने के लिए मुझे अपना खेल खेलना पड़ेगा, अपना नसीब खुद लिखना पड़ेगा। अदील मेरा नसीब है और मेरा ही रहेगा। अच्छा तो ये बात है, इस उम्र में ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माइंड मस्तानी के लिए कुछ मुश्किल नहीं। तेरी गोद बहुत जल्द हरी हो जाएगी। हाँ, ओ वाकई, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तुम्हारा बटवाना नोटों से भर दूंगी, नोटों से। हम मस्तानों के पास बटवा नहीं होता, कशकोल होता है, और वो हीरों का कशकोल हमेशा खाली रहता है। माई मेरी एक सोतेली बेटी है, मैं चाहती हूँ कि ना वो ना किसी काम की ना रहे और ना मेरे सामने झुक जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसका पत्ता ही साफ हो जाए। तेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। जा जाके मेरे बंदे को अपनी सौतेली बेटी का नाम लिखवा दे। मस्तानी हक हू, पैसे रख दिए यहाँ। हक हू, मैं मस्तानी हक हू। सब काम ठीक तरह से हो गया? हाँ, और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। गुड, यानी बगैर किसी मुश्किल के। और इजहार के बारे में सुनाओ, उसकी कारकर्दगी कैसी रही? काफी होशियार बंदा है, वो फौरन समझ गया हम क्या चाहते हैं, और सारा काम उसने हमारी मर्जी के मुताबिक किया है। यानी हम आगे चलकर उससे बहुत बड़ा काम ले सकते हैं। लगता तो ऐसा ही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। नहीं उतरेगा तो भुगतेगा भी, इसीलिए तो आपको उसके पीछे लगाया है। हेलो मैम। हेलो सर। आओ शरारे, बैठो। जी सर। मुझे खुशी है कि तुम हमारे मियार पर पूरा उतरे हो। मैडम मुझे तो जैसा कहा गया मैंने तो बस वैसे ही किया, और करना भी था मैंने। वैसे इस तपती हुई गर्मी में
जब मुझे कंटेनर के काम का कहा गया तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं जल भून जाऊंगा। बस यही बात अपने जहन में रखना। और जब तुम्हें दूसरी जिम्मेदारी दी है ना, उस पे अपनी पूरी तवज्जो रखो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अमल। मैडम ने कह दिया, समझो कह दिया। जी, हाफिज। चलो भाई, काफी लेट हो गए। लोग कहाँ रह गए थे? अरे भाई, बस जरा रेशमा की शॉपिंग करा रही थी। अच्छी बात है, लेकिन बताकर तो जाया करो। साहब जी, ये देखे, बेगम साहिबा ने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए हैं। ठीक है, चलो। जी ठीक है। जनाब, बड़ा इंतजार कर रहे थे मेरा। वैसे मुझे खुशी है आप मेरे लिए इतना बेताब हो जाते। बीवी हो तुम मेरी, परेशानी से बनती है ना। इतनी परेशानी? चलो। क्या बात है, ये किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? नीला भाभी, हम गरीब लोग क्या गुस्सा करेंगे? तो फिर ये सब्जी पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? आराम से कर। अभी जो मुझ पे जुल्म हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? रहने दो शौकत, तुम पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आपने अभी तक रेशमा से बात नहीं की ना? वो आएगी तो बात करूंगी ना। सच, आज बात करेंगी? हाँ हाँ, आज आएगी, आज ही उससे बात कर लूंगी, देख लेना। तो ये हुई ना बात भाभी। एक बात बताओ, शादी के लिए कोई तैयारी की है? कोई पैसे वैसे जोड़े या बस ऐसे ही बैठ के रो रहे हो? अनिला भाभी, कैसी तैयारी? मैंने तो कोई तैयारी नहीं की अभी तक। तो फिर शादी कैसे करोगे? अनिला भाभी, मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी तो मलिक साहब ने अपने जिम्मे ली हुई है। तो फिर एक काम करो, पापा को बता दो ताकि वो अभी से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ हाँ जी, मैं आज ही उनको बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गई थी? वो जी, मैं बड़ी बेगम साहिबा के साथ शॉपिंग पे गई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शौकत जी, भाभी तुम जाओ जरा, हमें आपस में कुछ बात करें। भाभी, वो मेरे वाली बात है। बैठो। मैं बताओ ना, क्या हुआ, जल्दी यार। जानती हूँ जानती हूँ, तुझे बहुत बेचैनी हो रही होगी सुनने के लिए। बिल्कुल हो रही थी। अच्छा, तो फिर तुम ये जानना चाह रही हो कि उसने क्या कहा? हाँ ना, यही मालूम करना था। बहुत बेकरारी हो रही है मुझे ये पता करने के लिए कि क्या हुआ। अब मैं ये बताओ ना, मस्तानी माई कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी और पहुंची भी लगी। इसका मतलब है तुम्हारा काम बन जाएगा? अरे हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा। हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है, बल्कि मुझे तो यकीन हो रहा है कि काम हो जाएगा। और औलाद के बारे में क्या कहा उसने? अब कह रही थी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। और अनिला वाला क्या हुआ? अरे अरे, बस तू देखती जा, अनिला का तो क्या हाल होने वाला है। अम्मा कुछ तो बताओ यार। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, माई मस्तानी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो अनिला का कबाड़ा कर देगी। अम्मा अगर तुम्हारा काम हो गया ना, तो मैं माही मस्तानी से इजहार के माँ बाप पे भी अमल करवाऊंगी। हाँ हाँ, सही कह रही है। अच्छा, इस तरह तू भी अपने घर की हो जाएगी। अच्छा, और बताओ ना।
जी बीबी जी, आपने कहना है कुछ मुझसे? हाँ, और तुम्हारा जवाब निहायत अहम है। क्या बात है बीबी जी? मुझे ये बताओ, ये शौकत तुम्हें कैसा लगता है? शौकत तो बहुत अच्छा है जी, मेहनती भी है तड़का लगा के। अब मुझे एक और बात बताओ, और ये बहुत सीरियस बात है। बोलिए बीबी जी। मैं दरअसल शौकत की तरफ से तुमसे शादी की रजामंदी मांग रही हूँ। अब मैं क्या कह सकती हूँ जी? क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है, और जो कहना है तुमने ही कहना है। हाँ, अगर तुम इनकार कर दोगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने इनकार कब किया बीबी जी? तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? आगे क्या जवाब दूं? क्या हो गया रेशमा? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं। बताओ क्या बोलूं मैं? हाँ बोलूं या ना बोल दूं? मेरी तरफ से हाँ समझे बीबी जी। ये हुई ना बात। और हाँ, एक बात और। वो क्या बीबी जी? तुम्हारी शादी है तो तुम्हारे वालिद साहब से भी तो इजाजत लेनी पड़ेगी। अब्बा से पूछना ही बेकार है बीबी जी। क्यों बेकार है? वो बाप है तुम्हारा। मेरा बाप तो है जी, लेकिन सुतेली अम्मा को प्यारा हो गया, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी हो। अच्छा, तो यानी इस शादी में तुम्हारी तरफ से कोई शरीक नहीं होगा? यही समझ लें बीबी जी तड़का लगा के। चलो कोई बात, हम हैं ना तुम्हारे अपने, तुम्हारी तरफ से भी शादी में शामिल होंगे और शौकत की तरफ से भी। तुमने रेशमा से की सारी शॉपिंग कर लूं, अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे शौकत की भी शॉपिंग करानी है। आ रहे तो फिर आप जल्दी करवाएं ना। हाँ, अब ये अंजीरा कह रही थी कि जरा कुछ रह गया उसकी कोई ज्वेलरी वुलरी की शॉपिंग, वो कर ले। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों के रिश्तेदार भी तो आएंगे ना? उनका कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं है शहर में। अच्छा, इसका मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से हम लोग ही होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे करूंगी, शादी के बाद आप इन दोनों की तनख्वाहें बढ़ा दीजिएगा प्लीज। हाँ, उनके खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे ना। अच्छा फराजी, आपने हमारे उस मामले के सिलसिले में अब फिजिशियन से बात की? अभी नहीं की है, कर लूंगा। इसका मतलब आपको मेरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी? दिलचस्पी है, अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। अच्छा, तो क्या हम दोनों को चलना होगा? नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं जाके देखता हूँ कि कहता क्या है डॉक्टर। अरे रेशमा, आज मैं बहुत खुश हूं यार। किस बात के लिए? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार कि तुमने मेरा रिश्ता जो है कबूल कर लिया। मुझे जैसा बेहतर लगा मैंने वो किया। रेशमा सुन, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और मैं भी कभी परेशान नहीं होने दूंगी। पता है रेशमा, मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मेरी शादी ना तुम जैसी समझदार लड़की से हो। और मुझे भी ऐसे ही शौहर चाहिए था जो मुझे समझ सके। और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी शादी से ना सारे घर वाले बहुत खुश हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे घर के किसी मुलाजिम की नहीं बल्कि फैमिली मेंबर की शादी हो रही हो। शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है शौकत। ओ रेशमा, अब क्या परेशानी है तुम्हें? बड़ी बेगम साहिबा के साथ ना मैं अस्ताने पे गई थी। अस्ताने पे? अरे तू उनको किन चक्करों में डाल रही है? ऐसे ही होता है शौकत। तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ, एक तो ना उन्होंने मुझे कमरे में से बाहर निकाल दिया, दूसरा ना आते हुए मार्केट से उन्होंने एक गुड़िया खरीदी थी। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो भाई गुड़िया खरीदने का उनको शौक होगा,
हाँ मेरे पूछने पे ना वो थोड़ा घबरा गई थी, मुझे तब शक हुआ था। अरे कुछ नहीं है ऐसा यार रेशमा, तू खामखा अपने दिल में वहम पाल रही है और अपने आप को टेंशन दे रही है और मुझे भी दे रही है। और बात सुन, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जा ऊपर, बड़ी बेगम साहिबा ने तुझे याद किया। Yes. सर इस फाइल को फाइनल कर दें। हमारी शिपमेंट अपलोड हो गई है? सर ये कल की लोडिंग की फाइल है। ये पोर्चुगल वाली फाइल है? जी सर। इसमें सारी कोटेशंस दी हुई हैं, राइट? यस सर। अच्छा वो सिद्दीक एंड सन्स की तरफ से कोई कॉल आई? जी सर कॉल आई थी, मैंने उनको प्रोडक्शन की सारी डिटेल सेंड कर दी है। ओके फाइन। और अब ये काम करें आप, मुझे एक कप चाय भिजवा दें अच्छी सी, तब तक मैं फाइल चेक करता हूँ। ओके सर।